हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लेंटर हमारा पड़ चुका है, नीचे वाला अभी ऊपर वाला पड़ेगा। तो बहुत खुशी का दिन होता है, लेंटर पड़ता है जब एक मतलब बहुत टेंशन कम हो जाती है। और बारिश भी नहीं हुई, भगवान की ये कृपा रही। और देखो ये मशीन से जल्दी डाल दिया था, नई टेक्नोलॉजी से कितना जल्दी हो गया ना काम, ऐसी बात भी नहीं है। और मतलब मैंने भी इस चीज़ से ना लेंटर डालते हुए पहली बार देखा, तो ये होता है। और पाँच छः मंजिलों तक डाल देती है ये मशीन, ऊपर तक चली जाती है, रस्सी ऊपर तक जोड़ देते हैं इसको। और अभी मेरे को नींद भी लगी, एडिट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि कढ़ाई भी बनाई थी हमने। तो उसकी सबसे पहले मिस्त्री पूजा करता है लेंटर शुरू होने से पहले। एक धूप धूप की बत्ती उन्होंने यहाँ जगह जला दी थी नीचे मशीन के पास, मशीन वालों ने। और एक जो ठेकेदार है हमारा, जिस जो काम कर रहा है लेंटर, उसने डाला। ये मसाला मिलाने वाली मशीन थी सिर्फ। और बहुत अच्छा लड़का है, मतलब जो काम करने आया ना हमारे, बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ईमानदारी का काम करता है। तो ये देखिए किस तरह से मतलब समय की बचत होती है। तो ये नीलू अभी पूजा करने जा रहा है, इसका नाम अनिल है। तो ये पूजा करने जा रहा है, मतलब ये होता है शुरुआत में ऐसे होता है, हमारे तो ऐसा ही करते हैं। एक नारियल गरी का घोड़ा मतलब, और एक ओ क्या कहते हैं उसको, धूप बत्ती। करते हुए ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, जब लेंटर की शुरुआत होती है तो इस तरह से पहले यहाँ पूजा जहाँ करते पे हैं पहली तगारी पड़ेगी और पूजा। मसाले की, वहां से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ये जलाएगा धूप, तो ये लगे हैं उतने को, मतलब ये डालेंगे भी यहाँ पे और धूप भी जलाएंगे। इस तरह से शुरुआत होती है लेंटर। कोई भी लेंटर छोटा है बड़ा है कोई भी है, तो बहुत बहुत ये सब कुछ आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के सहयोग से, माता रानी के आशीर्वाद से पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो वही कहते ना कि मेरी इतनी औकात मैंने नहीं, भी ये भगवान पहली जितना बार तुमने मुझे देखी दे दिया। इस तरह की, तो मतलब बड़ी मैं होता है, इससे उनका जल्दी हो हमेशा जाता है। भगवान के तो ऋणी रहते हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों को भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जय हो। आपके लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ, आपने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया, और मेरे चैनल को इतना ज़्यादा पसंद माता किया, रानी वीडियोस को सारा देखा काम पूरा, चाहिए तो ना, इस वजह से अच्छे जो से ये करना सब कुछ हमारी। हो पाया है। और माता रानी आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दे, और दीदी है हमारी एक, नाम नहीं मैं लूँगी, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। उनका भी मुझे बहुत योगदान है और अभी यहाँ मैं तक चली घर, पहुँचाने मुझे में। बनाना इन लोगों के लिए खाना। रोटी पुराने 10 मिनट नहीं हुआ जो। क्या बोले, ये अभी आ रहे हैं, ये सुबह से यहाँ नहीं थे। Thank you.
अभी मैं घर को जा रही हूँ। देखो ये हरा हरा लेके लहसुन के पत्ते हैं, मैं तोड़ के जा रही हूँ, मुझे खाना बनाना और मैं लेट हो गई। लहसुन के पत्ते हैं, आलू के पत्ते हैं, पकौड़े में डालूंगी। सुबह आलू राजमा थे, कड़ी पकौड़ा। भाग भाग के मैं मर जाने कसम से, मैं बहुत थक गई हूँ। 1 बजे को खाना चाहिए इनको। राम जी, देखो हरा धनिया है, कड़ी चावल और बूंदी का मीठा वो बनाऊंगी मैं। खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, और मेरे ना खुशी से मेरे आंसू निकल गए थे। मैं माता रानी को मन ही मन याद कर रही थी कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जो कर रही है ना ये सब तू कर रही है, ये तेरे चमत्कार है। और मुझे पूरा भरोसा है ना, मुझे मेरी माता रानी हारने नहीं देगी। सॉरी सांस फूल रहा है, मैं बहुत भाग रही हूँ, लग नहीं रहा है वीडियो में, बहुत तेज चल रही हूँ। जय माता रानी, माता आप सभी के सपने भी पूरे करे सच्ची में। चलिए हम बनाएंगे अभी पकौड़ों के लिए, कर लेते हैं सामान तैयार, ये सुबह का बचा हुआ है सारा। अभी मैं इसको धोऊंगी, पहले हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। सुबह आलू राजमा थे और अभी हम बनाएंगे पकौड़े, कड़ी पकौड़े। ये हमारे यहाँ पे ना फेवरेट होती है, कोई बड़ा फंक्शन हो या छोटा हो तो कड़ी हमारे यहाँ पे ना फेवरेट है। तो चलिए अभी इसमें, ये तो कम है, इसमें और डालना पड़ेगा। 1 सेकंड रुको आप। आमा कर दे, और अभी मैं अम्मा और इसे बात कर रही और अभी मैं अम्मा और इसे बात कर रही थी। तो देखो आज हरे हरे पकौड़े बनेंगे, मैंने पत्ते धो लिए हैं आलू के पत्ते। और सात पिपड़िया कूट दे, बहुत बन गई है। कितना आधा तो तो चलिए ये हो गया तैयार। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक, और थोड़े से डालेंगे इसमें हल्दी, और थोड़ा सा ये डाल देते हैं गरम मसाला। फटाफट से हमें रोटी बनानी है, क्योंकि सिलेंडर खत्म होने तक जो हमें तैयार करना है सारा। तो ये मैंने आपको बताई थी एक दिन, इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं। और अभी इस साइड मैंने ये भी घोल दिया, लस्सी और बेसन भी थोड़ा सा पानी मिला के। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं पकौड़े। और मेरे ख्याल में अभी तेल गर्म नहीं हुआ था और मैंने जल्दी डाल दिया, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी है रोटी बनाने की। चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे बर्तन रख दिया है, कड़ी बनाएंगे इसमें। पकौड़े मैंने परली गैस के ऊपर कर दिए और 2 कुकर चावल के बना दिए अभी जस्ट आधे घंटे में। क्या सी कुकू मैं, चलिए ना। तो उतने को कड़ी भी कड़ती रहेगी, नहीं तो टाइम हो जाएगा और फिर कोई भूखा नहीं जाना चाहिए घर से।
अरे तो क्या हुआ रे? तो हमने डाल दिया यहाँ पे तड़का, और तड़का मेरे को दूसरे बर्तन में देना चाहिए था, पर अभी ना सारे बर्तन धोने को पड़े यहाँ पे जो मैंने सुबह बनाए थे ना। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में बर्तन धोने का काम करूंगी। तो चलिए अभी दे लेते हैं इसको फटाफट से तड़का, टाइम भी हो चुका है बहुत ज्यादा, तो टाइम पे ना मेरे को सामान नहीं मिलता। वैसे मैंने अपने पास ही रखा हुआ है सब कुछ। क्योंकि ये ज्यादा बन रही है तो इसमें हर चीज की मात्रा ज्यादा है, और कुछ मिर्चें हमने पीस दी थी और कुछ हम ना ऐसे ही फेंक देंगे इसमें साबुत मिर्चें। कड़ी मतलब चटपटी बहुत अच्छी होती है, और अभी इसमें ना मैं वो भी डालूंगी कड़ी पत्ता भी। भाई क्या खुशबू आती है ना उस कड़ी पत्ते से, बड़े बर्तन में ना थोड़ा दिक्कत होती है बनाने में। तो ये हो गया है, आप लोग पूछेंगे कि आज वो दीदी और कहाँ है, तो वो ना शगुन लगाने गए हैं भांजी को। और इसमें डाल देंगे हम हल्दी भी, नमक भी हो गया, और अभी क्या जाएगा इसमें? मेरे ख्याल से तो अभी कुछ नहीं जाएगा, हम कड़ी और ये डाल देते हैं, लस्सी और बेसन जो हमने घोला था। अभी मैं इसमें ना कड़ी पत्ता डालती हूँ एक मिनट, और अभी हम इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता जो कड़ता रहेगा आराम से। कड़ी पत्ता, कड़ी की जान ही कड़ी पत्ता है। अभी इसमें बढ़िया सा, ये मैंने पीस के रखा होता क्योंकि हमारे होता नहीं ना, तो मैं नीचे से लेके आई थी। तो यहाँ पे कड़ी बन गई थी, जो मैंने पकौड़े बनाए थे उनको मैं इसमें डाल रही हूँ, और बड़ी दीदी भी आ गई थी उतने को। ये लोग गए हुए थे आज शगुन देने, शादी है 22-23 अप्रैल की, तो ये आज चले गए थे, जो भी इन्होंने लाना लगाना था ना, तो ये चले गए थे। बड़ी दीदी थी, हन्नी के पापा थे, और क्या बोलते हैं छोटे जेठ जी थे, तीनों गए थे। तीन ही बंदों की परमिशन है ना गाड़ी में, तो ये तीनों चले गए थे। तो अभी ये पहुँचे हैं, तो उतने को मैं बना चुकी थी, और फिर दीदी हमारे साथ पार्क हो गई थी। हरा धनिया इसमें डाला मैंने, बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, स्पीड मैंने थोड़ा फास्ट की है, 24 मिनट की वीडियो बन गई थी, मैंने सोचा चलो कम कर देते हैं। और मैं इतना थक चुकी थी ना, मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ, पहले सुबह बनाया खाना जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और फिर अभी इस टाइम तो बस हमने खाना डाला और फिर चल पड़े थे हम पार्क को, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला। और ये दीदी ने चावल उठाए, और हनी के पापा ने सब्जी, वो कुछ मैंने भी उठाया था। ये बोल रहे थे कि कमर में दर्द है, और चपातियाँ लेके जा रहे हैं, और ये देखिए हम चल पड़े हैं। और हम पहुंच गए थे पार, फिर इनको खाना खिलाया दूसरी बार, और मशीन से बहुत जल्दी पड़ गया था लेंटर। तो ये देखिए सभी लोग थक चुके थे, और ये लोग ना परमिशन लेके आए थे। अभी एडिटिंग कर रही हूँ मैं, पर बहुत थकान है। तो ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं,
और वो लोग ना परमिशन लेके आए थे, आप लोग बोलेंगे कोई कमेंट में कि कैसे, वो परमिशन लेके आए थे। तो बस अब मैं यहीं पे करूंगी वीडियो का एंड, हम लोग खाएंगे खाना घर जाके और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, गिर जाएगा ऊपर से ये मेरा हॉट केस। तो बढ़िया हो गया, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वो तो बिल्कुल भी नहीं, अब लगेगी ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। कितने देर बाद नहीं हुआ, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद लेंटर पड़ने के, 1 घंटे बाद जितनी मर्जी बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके ऊपर एक और लेंटर आएगा, इसमें तो भी फर्श पड़ेंगे, वो तो इसमें तो नीचे फर्श पड़ेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी का लाख लाख शुक्र, और बहुत ज़्यादा बारिश बताई थी तो धन्यवाद, आप सभी ने बहुत प्रे करी थी। ठीक है, जय माता दी।